शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो ये पूजा है, लेकिन समस्त हिंदू धर्म के आबादी के लोगों के लिए आज ये दिन कोई त्यौहार से कम नहीं है। महाशिवरात्रि का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलने की रात के रूप में बताया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की घटना क्या है? आइए जानी पूरी कहानियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न कोई आदि और न अंत था। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह असफल रहे। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी विराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं प्राप्त हुआ। और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हम केवल 12 ही जगहों के नाम पता है। उन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीपस्तंभ लगाते हैं। दीपस्तंभ इसीलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। यह जो मोती है उसका नाम लिंगोभव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे ऐसा है, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। एक कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। शिवरात्रि के ठीक 15 दिन पश्चात होली का त्यौहार मनाने के पीछे भी यही कारण माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पढ़े जाने वाले पवित्र मंत्रों की पंक्तियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। व्रत का तरह से पालन करना और उसके पश्चात उसका 100 गुना फल पाना, ये तो सभी चाहते हैं। आइए जानें शिवरात्रि के व्रत के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक का गन्ने के रस से करने पर लक्ष्मी जी की सिद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही हर तरह की शत्रुता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। शिवलिंग पर आप तीर्थ के जल से अभिषेक करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही संबंधित रोगों और दोषों का भी अंत होता है। जीवन में आप चमत्कारिक बदलाव जरूर महसूस कर पाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का दूध से अभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ब्राह्मणों के साथ गरीब व जरूरतमंदों को भोजन भी कराएं, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। शहद या मद का भगवान शिव से अभिषेक करने पर न सिर्फ धन की प्राप्ति होती है बल्कि सभी बीमारियां भी दूर हो जाती है। आरोग्य सुख के लिए इस अभिषेक को उत्तम माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि घी की धारा से भगवान शिव के सहस्त्र नामों से अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है और
शर्का मिश्रित दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि ही श्रेष्ठ बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को साबुत चावल चढ़ाने पर आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली का मंगल दोष भी शांत हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार पाठ भी ज़रूर करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव अति अवश्य प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। आपका जीवन भय मुक्त हो जाता है। 6 स्वास्थ्य, धन लाभ और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार पाठ ज़रूर करें। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना होगा, और अगर ऐसा है तो ये वीडियो अपनी तक ही सीमित ना रखें, इसे करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नए दर्शक चैनल के साथ जुड़े रहें, करें वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी टैप। जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।